पुलिसिया फाइलों में दबी। हर वारदात की होगी निगहबानी, क्योंकि हर जुर्म की होती है एक कहानी। देखिए जुर्म की दास्तां रात 11 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। नमस्कार, देश की बात में आप सबका स्वागत है। देश की बात में हम हर हफ्ते देश की दशा दिशा पर देश की एक अहम शख्सियत से बात करते हैं। इस हफ्ते हमारे अतिथि हैं श्री केन गोविंदाचार्य। श्री केन गोविंदाचार्य का पूरा राजनीतिक करियर संघ से शुरू हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत ही कर्मठ प्रचारक रहे। बल्कि एक समय ये कहा जाता था कि हर गाँव में केन गोविंदाचार्य जी के शिष्य हैं और उनके साथ के लोग हैं वहाँ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में रहे, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रहे। भारतीय जनता पार्टी से हटने के बाद वो स्वतंत्र रूप से देश की राजनीति को प्रभावित करने के लिए अपना हस्तक्षेप जारी रखे हुए हैं। केन गोविंदाचार्य के विषय में एक और बात कही जाती है, ये ओरिजिनल ऑफ बीट सैफरन थिंकर हैं। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले जो हम बात करेंगे, जो आप अभी राजनीतिक हस्तक्षेप की जो बात हमने की, मुझे लगता है कि सेव डेमोक्रेसी फ्रंट भी इसी कारण से बनाया है आपने। क्या है इसकी अवधारणा और कैसे ये भारतीय राजनीति को प्रभावित कर पाएगी? इसके साथ साथ अगर आप यूथ फॉर डेमोक्रेसी के बारे में भी अगर आप बात हमें बताएं तो अच्छा होगा। जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीति में डेमोक्रेसी डिजेनरेट होकर कॉर्पोरेटोक्रेसी की शक्ल पा गई है और इसके कारण कॉमन मैन का कहीं कोई स्थान नहीं रहा और सिस्टम से खारिज हो गया है। सभी राजनीतिक दल एक से हैं और विपक्षी दल और सत्ता दल एक प्रकार के हो जाएं सोच में और व्यवहार में तो आम आदमी के मुद्दे तो गुम हो जाएंगे संसद के अंदर या विधानसभाओं में जी। तो वे मुद्दे तो सड़क पर ही उठा करेंगे, उसका लाभ शुभ अशुभ दोनों ताकतें ले सकती हैं। तो देश एक तरह से या तो अराजकता के लपटों में झुलसे या संसदीय राजनीति में कुछ और हस्तक्षेप हो। और आज जो ग्लोबलाइजेशन के बाद मार्केट इकोनॉमी के कारण जो स्थितियां बनी हैं डिस्पैरिटी इनइक्वालिटी वगैरह बराबरी की, उसके कारण लेवल प्लेइंग फील्ड तो बचा ही नहीं। आम आदमी को अगर देखना हो तो आप जाकर देखिएगा जिला अस्पताल के बाहर और जिला जेल के बाहर तो स्थिति मालूम पड़ जाए। और ख़ास लोगों को देखना है तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में और बड़े बड़े लाखों रुपया फीस देकर पढ़ने वाले पढ़ाने वाले कॉलेज स्कूलों में। ऐसी स्थिति में लेवल प्लेइंग फील्ड तो रहेगा ही नहीं, तो डेमोक्रेसी तो मर जाएगी जी। तो डेमोक्रेसी की एसेंस है लेवल प्लेइंग फील्ड हो, हर आदमी बराबर हो। वो तो स्थितियाँ ही नहीं बची, अब कोई समान शिक्षा की बात भी नहीं कर रहा है। इसलिए डेमोक्रेसी जब संकट में हो तो नया हस्तक्षेप आवश्यक है। पुराने हथियार भोथरे हो चुके हैं, नया हथियार गढ़ना कठिन है ऐसा लोगों को लगता है। इसलिए सांपनाथ के बदले नागनाथ के बीच की चॉइस जनता की लाचारी बन गई है। तो मुझे ऐसा लगता है तब तो लक्ष्य होना चाहिए डेमोक्रेसी इन राइट स्पिरिट इन ट्रू स्पिरिट कैसे व्यवहार में आवे, और पॉलिटिकल हस्तक्षेप होना ज़रूरी है। तो इन दोनों बातों का अगर मेल बिठा लें तो लोकतंत्र बचाओ मोर्चा या सेव डेमोक्रेसी फ्रंट, जिसमें इन्हीं सोच के लोग हों, सफलता असफलता के प्रभाव से परे रहकर लक्ष्य सही दिशा सही परिणाम अपने से आएगा, इस आधार पर सेव डेमोक्रेसी फ्रंट की रचना हुई। उसके पहले कई ऐसे व्यक्तियों समूहों संगठनों को तलाशा भी है जो इसी सोच के हैं, तो उन सबको इकट्ठा भी करने की कोशिश की है, साथ काम करने की कोशिश की है, उसी को सेव डेमोक्रेसी फ्रंट हम कह रहे हैं। और ये सारी बातें नौजवानों में जाए, क्योंकि उन्हीं को अभी लंबा जीवन जीना शेष है, उनकी जीवन बेहतरी के लिए उनको खुद कोशिश करनी पड़ेगी। तो इन्हीं बातों को नौजवानों के बीच ले जाने के लिए यूथ फॉर डेमोक्रेसी की रचना हुई है, अब प्रयास शुरू हुआ है।
मुझे लगता है कि नींव खोदने का काम है, ये तो नींव भरकर प्लिंथ लेवल तक आने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा, क्योंकि जिस प्रकार की योजनाएं हैं, जो जो भी बात आप बता रहे हैं, किसी के लिए भी विदेह होकर जीना असंभव है। विदेह होकर ना हम जी सकते हैं ना कोई और जी सकता है। विदेह होकर जब हम नहीं जी रहे हैं तो हम समाज के अंदर में जी रहे हैं और समाज के विभिन्न विरोधाभासों को साथ लेकर जी रहे हैं। सेफ डेमोक्रेसी फ्रंट के बाद जिस समाज की अवधारणा आपने रखी, हमने रखी या आपके पूरे मूवमेंट ने रखी, उसे अचीव करने में, उसे पाने में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि अगर सामने में अगर लक्ष्य दिखाई नहीं दे तो हो सकता है हम भटक जाएं। ये तो लक्ष्य स्पष्ट है, आपका कहना है कि ये साकार रूप में कब दिखाई पड़ेगा, तो सगुण नहीं है, अमूर्त सा दिखता है जी। तो ऐसा ही था जी, ऐसा ही था लोकनायक जयप्रकाश जी के बिहार आंदोलन की भी स्थिति। आपको भी याद हो, किसी को भी याद हो, जनवरी 1974 तक जेपी की सभाओं में 60-70 लोग आते थे राम मनोहर सेमिनरी पीएन एंग्लो वैदिक स्कूल पटना में जी। लेकिन वो पीछे की सारी क्रेडिबिलिटी और इतिहास और ज़रूरतें और स्थितियों की राइपेनिंग, परिपक्व होते जाने, उसके कारण चंद महीनों में ही चित्र एकदम सा बदल गया। 2-3 साल में तो एकदम आपातकाल का बादल भी टूट पड़ा था। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि देश की परिस्थितियों का तकाजा ये है कि इसमें 3-4 वर्ष के अंदर इसका रूप सबके मन में अंकित हुआ सा दिखेगा, ऐसा मेरा विश्वास। इसके बाद क्या डायरेक्ट कॉन्फ्रेंटेशन होगा किसी के साथ? ये होगा ऐसा? हाँ, आपको बड़ा मोर्चा भी बनेगा और लोकतंत्र के संदर्भ में बात होगी, तो जो जहाँ तक साथ चले वहाँ तक साथ चलेंगे। लेकिन हमारा मूल लक्ष्य जो कोर टीम का रहेगा वो तो देश में सही मायने में लोकतंत्र की स्थापना हो, उसके लिए भारत परस्त और गरीब परस्त नीतियों के पैरोकार राजनीतिक ताकत की ज़रूरत है। आज तो सभी सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, यूपीए हो या एनडीए हो, नीतियों के स्तर पर आप देखिए ना, विदेश परस्त हैं और अमीर परस्त नीतियाँ हैं। उसी का तो नतीजा आज भुगत रहे हैं कि आज बेरोजगारी की समस्या हो या गरीबी की, देश के 80% समाज की लाचारी सी लगती है, उसके लिए यही तो स्थितियाँ जिम्मेदार हैं। ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल की बजाय ऑफ द कॉरपोरेट्स बाय द कॉरपोरेट्स फॉर द कॉरपोरेट्स की स्थिति, ये लोकतंत्र का विकृत रूप नहीं तो क्या होगा जी? लेकिन सवाल इस बात का है कि लोकतंत्र का विकृत रूप तो ये है, लेकिन जो समाज है इनके 3 लेयर हैं और 3 लेयर बड़े स्पष्ट लेयर्स हैं। इसमें जो बीच का जो लेयर है वो निरंतर महत्वाकांक्षी लेयर है और यही लेयर वैसा लेयर है जो कि विदेश परस्त भी है और कॉरपोरेट परस्त भी है। उसे 1.5 लाख रुपए की सैलरी बड़ी अच्छी लगती है, आकर्षक लगता है, और जो नीचे है, जो बिल्कुल लोअर लेवल पर है, उसे 1.5 लाख शायद वो न सोच पाए। लेकिन ये जो मध्यम वर्गीय, मैं मध्यम वर्गीय की तरफ, हिंदुस्तानी मध्यम वर्गीय जो दिनों दिन एक्सपैंडिंग कम्युनिटी है, आप उसे कैसे अपने सपनों के आधार पर जीना सिखाएंगे? मुझे ये भी लग रहा है कि नौजवानों में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो स्थितियों को ऐसा ही नहीं रहने देना चाहता और मानवीय संवेदनाएं मरी नहीं हैं। इसलिए इसी मध्य वर्ग में से बदलाव चाहने वाली ताकत के पोषक लोग भी हमको मिल रहे हैं। हजारों सैकड़ों नौजवानों से सबका मेरा आ रहा है और वो सब चाहते हैं कि बदल हो। केवल कैसे बदल हो, क्योंकि वो राजनीतिक दलों के खांचे के अंदर देखते हैं तो उनको उसमें काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, प्रेरणा नहीं होती, और इन दलों के दायरे के बाहर कोई समूह वैसे दिखते नहीं हैं। इसलिए वे ही लोग कभी अन्ना आंदोलन की तरफ भी जाते हैं, रामदेव जी के आंदोलन की तरफ भी जाते हैं, हमारी तरफ भी आते हैं, वो भी देख रहे हैं कि क्या हो, टैंजिबल सॉल्यूशंस क्या होंगे, ये तलाश जारी है। ये ट्रांजिशन पीरियड 1-2 साल और चलेगा। आपने बिल्कुल सही याद दिलाया, अन्ना आंदोलन में भी जो शुरुआती दौर में जितने लोग जुड़े वो शायद इसी महत्वाकांक्षा के तहत जुड़े कि देश में आमूलचूल परिवर्तन होगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई का आगाज अन्ना ने किया है उसमें वो अपनी सहभागिता देकर देश के प्रति कुछ करने का जो जज्बा है अपने अंदर उसको वो सामने लाना चाहते थे। कालांतर में ये जज्बा धीरे धीरे कोका कोला के बोतल से निकले हुए गैस की तरीके से बैठ रहा है, आप क्या मानते हैं? देखिए, जन आंदोलनों को हमेशा
लहर के उफान पर नहीं रखा जा सकता, क्रेस्ट पर। उसमें रणनीतिक आवश्यकता भी होती है और धीरज की भी आवश्यकता होती है। अब जैसे देखिएगा तो लगेगा कि आंदोलन मर सा गया, किंतु ये डूब सरीखा है, फिर वर्षा होगी, फिर हरी हरियाली उभर आएगी। इसलिए जन आंदोलन के गतिशास्त्र को लीनियर फॉर्म में देखना वो ठीक नहीं है, वेव के रूप में ये होता है। इसके अगर समझ हम कर लें तो मुझे जेपी आंदोलन का भी याद है, अप्रैल एंड में ऐसा मौका 74 में आया था, लगा कि आंदोलन अब कहाँ रहा, लेकिन आपको याद होगा मई प्रथम सप्ताह में MLS का रेजिग्नेशन हुआ, फिर आंदोलन उठ गया। फिर वर्षाकाल जुलाई अगस्त में ठंडा सा रहा, सरकार को भी निश्चिंतता होने लगी। अक्टूबर 2-3-4 को इतना ज़बरदस्त बिहार का बंद का कॉल हुआ और 4 नवंबर 1974 को जेपी पर लाठी पड़ी। लेकिन जेपी की एक कुशलता थी, वो इस सारे गतिशास्त्र को जानते समझते थे जी। इसलिए उन्होंने समय पर, इंदिरा जी ने जब चुनौती दी कि लोकतांत्रिक आप आदमी हैं तो थोड़े समय में चुनाव होने ही वाले हैं तो आप क्यों नहीं इंतज़ार करते, तो जेपी ने उसको कैच कर लिया और आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर अब बढ़ाएंगे कह दिया। तो वो विधानसभा भंग करने का ये जो एक पेच था उससे जेपी उभर गए और आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर बड़ी लड़ाई छेड़ने में सफल हो गए। उस लड़ाई में उनको समेट लेने की कोशिश हो रही थी सत्ता की ओर से। यही मैं मानता हूँ इस आंदोलनों में भी कि रणनीतिक कुशलता, लचीलापन और अन्य लोगों से संवाद, उसके लिए खुलापन, ये और आवश्यकताएं हैं, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो या रामदेव जी का आंदोलन हो। इसमें कई बार एक स्टिफनेस, एक रिजिडिटी, एक माई वे और नो वे, ये स्थितियां आंदोलन के लिए परिणामकारी नहीं होती। तो आंदोलन को लीनियर फॉर्म में कभी नहीं देखना चाहिए, ऐसा मानते हैं गोविंदाचार्य जी, जिन्हें बहुत सारे आंदोलनों का अनुभव है। आंदोलन हमेशा वेव्स की शक्ल में आती हैं। हम इस पे बात करेंगे और आगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हमें दीजिए ब्रेक का इजाजत, हम शीघ्र लौटते हैं। जल्द आ रहा है आपके सरोकारों का नया न्यूज चैनल रिपोर्टर 24x7, खबर परत दर परत। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं श्री केन गोविंदाचार्य से देश की दशा और दिशा पर, और हम बात कर रहे थे अन्ना आंदोलन की। गोविंद जी, किसी भी आंदोलन में उसकी सफलता का राज ये होता है कि आप पुराने हथियार से, पुराने वायदों से और पुराने वक्तव्यों से बहुत ज़्यादा दिनों तक आंदोलन को नहीं खींच सकते। एक साल पहले जब अन्ना आए थे तो अन्ना का कहना था कि हम मंदिर में रहते हैं और हमें बहुत ज़्यादा कोई लस्ट नहीं है। उन्हीं बातों को वो फिर से दोहरा रहे हैं, जबकि जनता और आंदोलनकारी नई बात सुनने चाह रहे हैं, नई स्ट्रैटेजी सुनना चाह रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी एक तरफा होने की बजाय ये कई तरफा हो गया है। कभी बीच में चुनाव लड़ने की बात हो रही है, कभी कहीं और चले जा रहे हैं हम, तो क्या ऐसा लगता है कि अन्ना का आंदोलन कहीं भटकाव के रास्ते पर है? मैं मानता हूँ कि कार्यनीति और रणनीति के स्तर पर सुधार की आवश्यकता है, नहीं तो इसमें एक प्रकार की यथास्थिति उत्पन्न होने का खतरा है। यथास्थिति में आंदोलन नहीं जी पाता, ये भी सच है। जो स्थितियाँ बनी हैं, पहले तो जन लोकपाल के विषय के आधार पर संसदीय समिति में खुद की हिस्सेदारी उनको नहीं करनी चाहिए थी, जो उन्होंने किया तो बंध से गए। अच्छा, अब बंध से गए तो उसको उसके तार्किक निष्कर्षों तक पहुँचने का अवकाश देना चाहिए, तय हो जाए क्या बना क्या नहीं बना और फिर आगे बढ़े, नहीं तो उसमें से एक अनुपलब्धि की स्थितियां रहती हैं, उपलब्धिहीनता की, उससे एक डिमोरलाइजेशन आता है समर्थकों में, जो एक ऊब सरीखी स्थितियां बनती है, उसका कारण ये बनता है। उसी प्रकार उनको भी स्पष्ट हो जाना चाहिए था, जो शुरू में ही नहीं हुए, सांप्रदायिक असांप्रदायिक, राजनैतिक अराजनैतिक, अनेक विभेदों के वो खुद मानसिक तौर पर शिकार हो गए। इसके कारण समर्थन को बढ़ाने की बजाय कायम रखना ही उनकी समस्या आज बन गई है। और तीसरी बात थी कि उनको स्पष्ट हो जाना चाहिए
कि राजनैतिक व्यवस्था में आप कुछ भी बदलाव चाहते हैं तो संसदीय राजनीति और चुनावों से परहेज करके आप नहीं चल सकते। तो सीधा बताना पड़ेगा उम्मीदवार कैसे होंगे, प्रचार कौन करेगा, व्यवस्था क्या होगी, क्या पार्टी बनेगी या पार्टियों को जुटाएंगे। इसमें संभ्रम की स्थिति है, अंतर्द्वंद्व की स्थिति है। इस पर पहले ही सफाई होने की ज़रूरत थी, जो नहीं करने के कारण आज अन्ना आंदोलन में भेद उभरते हुए दिखाई पड़ते हैं लोगों को। अन्ना आंदोलन में भेद इसलिए भी दिखाई पड़ते हैं कि अन्ना और अन्ना की टीम यानी अन्ना के साथ के जितने लोग हैं उसमें विचारों की एकता नहीं दिखाई देती। कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। ऐसी स्थिति में अन्ना हजारे का जो यूएसपी है वो यूएसपी कितने दिनों तक कायम रह पाएगा, और क्या जो सत्ता के षड्यंत्र हैं उन सत्ता के षड्यंत्र से अन्ना हजारे अपने आप को अक्षुण्ण रख पाएंगे? जहाँ तक सत्ता का सवाल है, साम दाम दंड भेद के नीचे तो वो अपनाएंगे ही, तोड़ेंगे भी, बिखेरेंगे भी, दबाएंगे भी, ललचाएंगे भी, स्वाभाविक है जी। उससे बचने के लिए इनकी आंतरिक एकता, उसमें क्या बोलना, कितना बोलना, कौन बोलना, सभी नेता के नाते सामने आएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। ये उसमें विभेद के कारण आ रहे हैं। फिर भी अन्ना जी के स्वयं के जीवन के बारे में आदर है और वो बना रहेगा, वो बना रहेगा। अब आंदोलन में वो बहुत कुछ कर पाए या नहीं कर पाए ये अन्य फैक्टर्स पर निर्भर है। उनके लिए उनकी व्यक्तिगत जीवन की शुचिता पर्याप्त नहीं है, वो आवश्यक है जी। इसलिए आगे देखते जाना है। मैं तो मानता हूँ कि मुद्दे पर हम सहमत हैं तो हम समर्थन करते हैं, हमारे लोग वहाँ सहभागी हों ये भी हम चिंता करते हैं जी। और उनकी जैसी इच्छा है हम दूर से रहें, पीछे रहें, बाहर रहें, हम उसका आदर करते हैं जी। अन्ना हजारे के आंदोलन की क्या संभावनाएं थी, क्योंकि जब ये शुरू हुआ था एक साल पहले मुझे ऐसा लगता था कि इसकी बहुत संभावनाएं हैं, और वो अन्ना हजारे प्रत्यक्ष रूप में जरूर सिर्फ लोकपाल की बात करते थे, लेकिन ऐसा देश के कई लोगों जो सोचते समझते हैं उनको ऐसा लगता था कि ये एक परिवर्तन की आगाज़ है। संभावनाएँ बहुत थी और वो संभावनाओं से बिखराव हो गया। कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप समझते हैं कि अन्ना आंदोलन में बिखराव आया? हाँ, मैं समझता हूँ कि संसदीय समिति में जाने की जो बात हुई वहीं से बिखराव शुरू होता है जी। और उसी के कारण रामदेव जी सरीखे लोगों ने भी टिप्पणी कर दी कि पिता पुत्र दोनों उस कमेटी में क्यों हैं और किरण बेदी क्यों नहीं, आदि आदि आदि। मेरा कहना है कि तो वहाँ जाना नहीं था, जाना था तो अन्ना जी को खुद नहीं जाना चाहिए था जी। और उसके बाद वो देखते रहते तब तक वो आंदोलन को रचनात्मक मुहिम की तरफ ले जाते, जैसे जयप्रकाश जी ने भी किया था। बीच के ठंडे माहौल में वो रचनात्मक आंदोलन की तरफ मुड़ गए थे, उसी में जाति तोड़ों की बात शुरू कर दी थी उन्होंने और भ्रष्टाचार विरोधी सप्ताह शुरू कर दिया था उन्होंने, जनता सरकार गठित करने की बात शुरू कर दिया था। ये सब आंदोलन की रणनीति का हिस्सा था जो जरूरी था, जो यहाँ नहीं दिखाई पड़ा। उसी मुद्दे को बार बार पिसे हुए आटे को पीसने की कोशिश, और इसके कारण लोगों में एक इंप्रेशन बना है कि अरे इनका धीरज क्यों नहीं रखते हैं, हो तो रहा है, होने दो, देखें क्या होता है, क्या होता है। तो जनता की अपेक्षा और इनका दुराग्रह ऐसा चित्र बनता चला गया है। इनको चाहिए था कि वहाँ वो रुक जाते, होने देते, तब तक पॉजिटिव टर्म्स में लेते और राजनीतिक सुधार और चुनाव सुधार की तरफ इनकी गाड़ी मुड़ गई होती जी। तो ज़्यादा आज सार्थक परिणाम होता। एक और बात है जो अन्ना हजारे के साथ के लोग हैं जो तथाकथित सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, क्या सिविल सोसाइटी के मेंबरान सिर्फ 5 हो सकते हैं? क्या यूथ फॉर डेमोक्रेसी सिविल सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? क्या सेव डेमोक्रेसी फ्रंट सिविल सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? क्या हम और हमारे साथी सिविल सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? क्या इस देश का डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सिविल सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? तो सिविल सोसाइटी के नाम पर सिर्फ 5 व्यक्तियों का महिमा मंडन कितना उचित है? नहीं है, देखिए कितनी भी कोशिश लोग करते चले ऐसा होता नहीं है। सिविल सोसाइटी सिविल सोसाइटी है, उसका चरित्र, उसका स्वरूप, उसकी संचालन, उसकी कार्यशैली भिन्न है। ये तो इसीलिए इसको अन्ना आंदोलन कहा गया, इसलिए टीम अन्ना आंदोलन हो गया। सिविल सोसाइटी के आंदोलन से एक स्टेप नीचे आ गए और ये इन संगठनों का आंदोलन है तो इनकी मर्जी से चलेगा, यही बात हो गई। या मतलब आप मानते हैं कि सिविल सोसाइटी से एक स्टेप नीचे अभी ये आंदोलन है, सिविल सोसाइटी का पूरा समर्थन नहीं है? स्वाभाविक है, क्योंकि उसके लिए एक संयुक्त संघर्ष संचालन समिति बनना पड़ता जी। उसके लिए सबके अपने अपने विचार होने के बाद भी कॉमन विचार क्या क्या है उस पर एका होता जी।
तो मुद्दों और मूल्यों पर एकता होकर संयुक्त संचालन समिति का ढांचा बनता तो वो सिविल सोसाइटी को ज्यादा रिप्रेजेंट करने वाला होता जी। वो सब नहीं हुआ, इसलिए कार्यशैली और रणनीति दोनों के स्तर पर ये चूक आंदोलन के विस्तार देने की बजाय आंदोलन को जनाधार बचाए रहने की कवायद के रूप में आज जो कसरत दिखती है जी। उसका ये कारण है। गोविंदाचार्य जी, आप किसी जमाने में, मैं आपको स्वयं भी कहता था कि आप चाणक्य हैं। चाणक्य इसलिए हैं कि जिस समय किसी के मन में सोशल इंजीनियरिंग की बात नहीं हुई, आप सोशल इंजीनियरिंग शब्द के जनक हैं। अभी अन्ना हजारे आंदोलन को अगर चाणक्य नीति की जरूरत हो तो गोविंदाचार्य जैसा चाणक्य उन्हें क्या सलाह देगा? मैं कहूंगा कि अभी भी देर नहीं हुई है। समस्त आंदोलनकारी समूहों को एकजुट होकर आगे की रणनीति का फैसला करना चाहिए। ये आज वक्त की जरूरत को पहचानकर आह्वान अन्ना जी की ओर से हो तो फिर से आंदोलन लहलहा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देश की परिस्थितियों का तकाजा तो है, जनता तो साथ होना चाहती भी, ये भी पक्की बात है। साखयुक्त नेतृत्व भी है, केवल संगठन और रणनीति, इस दो में कार्यनीति और रणनीति की कमियां हैं, उसको दुरुस्त करना चाहिए। हम अभी बात किए सोशल इंजीनियरिंग पर, सोशल इंजीनियरिंग पर ठहराव क्यों हो गया? क्या आपको लगता है कि सोशल इंजीनियरिंग अपनी परिणति पर पहुंचा? देखिए, सबको अपनाने के लिए अपने मानस में एक खुलापन, सीखने की वृत्ति और कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए सबसे पहले तो खुद को डी क्लास होना पड़ता है, जो मार्क्सियन उसी शब्दावली में, उसी प्रिंसिपल, उसी मुहावरे का इस्तेमाल करें तो डी क्लास होना पड़ता है। हमारा अवचेतन में अगर कुछ कास्ट, कुछ क्लास यही रहे, डोमिनेट करता रहे, तो अवचेतन की बात तो बाद में व्यवहार में दिखाई ही पड़ेगी। इसलिए इस विषय में किसी तरह में मैं ऐसा मानता हूँ कि हम अपने साथियों को इस विषय में उस कदर समझा नहीं पाए, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसका भी रियलाइजेशन मुझे इस दिशा में बढ़ने के बाद हुआ, तो लगा कि मैं बहुत आगे की कुछ बात कह रहा हूँ, शायद आज ग्रहण करने की स्थिति नहीं है। जैसे हमने चाल, चरित्र, चेहरा कहा था जी। तो सोशल इंजीनियरिंग के तहत हमको अपनी चाल बदलना पड़ेगा, चेहरा बदलना पड़ेगा, चरित्र बदलना पड़ेगा कहता हूँ, तो लोगों ने उसको कई बार लिटरली ले लिया। तो एक नेता ने कहा भी कि भाई फलाने के बदले क्या फलाने को बना दें मुख्यमंत्री, ये ट्रिवियलाइजेशन था। तब मुझे समझ में आया कि नहीं यार, इसको और गंभीरता से पहुँचाने की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर क्या किया आपने? क्या वहीं पर रुक गए कि आगे और बढ़े? लेकिन उससे क्या हुआ, राजनीति के क्षेत्र में असुरक्षा बोध भी तो एक बड़ा फैक्टर रहता है ना, इनसिक्योरिटी। उसके कारण कई लोगों को लगा कि ये उनके पदों को महरूम करने के लिए उनकी कोशिश हमारी है क्या, ये सब चलने लगा जी। हमारा उसे बिरादर था नहीं, लेकिन हमारा मानना जरूर है कि दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद संपूर्ण जन तक अगर पहुंचना है तो वो संपूर्ण जन के हिस्से जो आज नहीं है काम में, उनको अपना चेहरा तो इस पार्टी के नेतृत्व में दिखना चाहिए जी। मेरी वो कोशिश थी। उसके कारण कई लोगों को ऐसा लगा होगा कि मानो मैं उनके लिए खतरा सा बन रहा हूँ, ऐसा लगा होगा जी। जो चाल, चरित्र, चेहरा की आपने बात की, एक समय भारतीय जनता पार्टी के चिंतन में और अवचेतन में, दोनों में ये बहुत ही की वर्ड था, चाल, चरित्र और चेहरा। भारतीय जनता पार्टी को जब भी कोई व्याख्यायित करता था तो चाल, चरित्र, चेहरा के पैरामीटर पर करता था। ये चाल, चरित्र और चेहरा अभी भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में कितना फिट है और भारतीय जनता पार्टी इसका कितना ध्यान रख रही है? अब तो वही लोग कहने लगे, उनके पार्टी के लोग ही कहने लगे हैं पार्टी विद अ डिफरेंस के बजाय पार्टी विद डिफरेंसेस। जहाँ जिस किसी को शिकायत करनी पड़ती है वो इन्हीं जुमले का इस्तेमाल करता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक वैज्ञानिक कार्यशैली के विकास के अभाव में ये स्थितियाँ बनी हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति को दोष देना तो बेकार है। और वैज्ञानिक कार्यशैली में चेक्स एंड बैलेंसेस, फिर डूज एंड डोंट्स, कोड ऑफ कंडक्ट और सब बातों का बैलेंस रखने की व्यवस्था, फिल्टरिंग प्रोसेस, ये सब हो ही नहीं पाई। तो स्वाभाविक था, मैंने पहले भी कहा था कि एडहॉकिज्म अगर रहेगा कार्य पद्धति का तो कालांतर में इसका कांग्रेसीकरण होना अनिवार्य रहेगा, अपरिहार्य हो जाएगा। और तब वैसी स्थिति में साजिश, तिकड़म और चाटुकारिता ये कार्य पद्धति का हिस्सा बन जाएगी।
तो इसीलिए आज सब लोग कह रहे हैं कि हाँ देखो जितना नीचे देखें उतना तो देश के बारे में सपना सजोए हुए लोग मिलते हैं, जितना ऊपर देखते चलो उतना खुद के बारे में जुगत भिड़ाते लोग दिखते हैं। ये चित्र भारतीय जनता पार्टी का दिखता है, और किसी एक पार्टी का क्या हो रहा नहीं हो रहा मेरा कंसर्न नहीं है, लेकिन देश के जिम्मेदार विपक्ष की ये स्थिति बनने से देश अराजकता की ओर ढकेला जाएगा परिणामतः, चिंता वो है। इसलिए मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि देश को एक सशक्त सत्ता पक्ष से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़रूरत है एक सशक्त सही विपक्ष की। आज तो कोका कोला पेप्सी कोला के समान यूपीए और एनडीए आपस में स्पर्धारत हैं, दोनों का कंटेंट एक है, दोनों को मुनाफा लूटने की नीयत बड़ी साफ है। जरूरत तो, और ये लोग कोशिश करेंगे कि तीसरा चौथा कोई ना आ पावे, इसलिए कार्टलाइजेशन इनका स्वभाव हो जाता है मोनोपोलाइजेशन के पहले की स्टेज जी। वैसे ही यूपी एनडीए की स्थिति आज हो गई है, दोनों विदेश परस्त और अमीर परस्त नीतियों पर चल रहे हैं। देश को जरूरत है भारत परस्त गरीब परस्त ताकतों की, तो स्वाभाविक है फिर नया कोई प्रयास ही उपयोगी होगा। आज तो नया कोई प्रयास ही उपयोगी होगा। हमने बहुत सारे विषयों पर बात की, और एक तरीके से मुझे लगता है कि कई विषयों पर गोविंदाचार्य जी ने एक नीति नियामक की भूमिका निभाते हुए ये साक्षात्कार दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्टूडियो आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम आपके पास फिर आएंगे कुछ दिनों के बाद, जबकि कुछ ऐसा लगेगा कि अन्ना आंदोलन किसी दिशा में बढ़ रहा है, उस समय फिर आएंगे, आपसे विचार, आपके विचार जानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। देश की बात में आप सबका स्वागत है। देश की बात में हम हर हफ्ते देश की एक नामचीन हस्ती के साथ देश की दशा और दिशा पर बात करते हैं। इस हफ्ते के हमारे अतिथि हैं गोविंदाचार्य जी। गोविंदाचार्य जी, पिछले हफ्ते भी उनसे हमने बात की, और इस हफ्ते इंटरव्यू थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। देश की दशा दिशा पर काफ़ी चिंतित दिखे गोविंदाचार्य जी। इस बार फिर हम उनसे बात कर रहे हैं। हम पहुँचे हैं, अभी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर बात करने के लिए। दरवाजा खुलेगा, हम अंदर जाएंगे, और केन गोविंदाचार्य जी भारतीय जनता पार्टी में दशा और दिशा की क्या स्थिति है इस पे बात करेंगे। गोविंद जी, भारतीय जनता पार्टी की अभी क्या दशा है, क्योंकि अभी हाल में जो देखा गया ऐसा लगा जैसे एक व्यक्ति ने पूरे भारतीय जनता पार्टी के चिंतन प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया है, और एक व्यक्ति की बलि ली जा रही है दूसरे व्यक्ति को वहां लाने के लिए। क्या ये उचित है? नहीं, ये सब तो स्वाभाविक है, तो तार्किक परिणाम ही है ये सब। पार्टी ऑफ वर्कर्स विद ए मिशन का स्वभाव और पार्टी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर पावर, ये दो में जब अंतर हम समझ लेते हैं, तो पहले भारतीय जनता पार्टी पार्टी ऑफ वर्कर्स विद ए मिशन थी। डिजनरेट होते होते पार्टी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर पावर हो गई, तो स्वाभाविक है अंतर्द्वंद्व होंगे, और उसमें से स्वाभाविक होगा कि सत्ता साध्य बन जाएगी साधन की बजाय, तो पावर फॉर ए पर्पस की बजाय पावर इटसेल्फ विल बिकम द पर्पस। तो उसका जो व्याकरण और गतिशास्त्र ग्रामर और डायनेमिक्स होगा उसमें तो जैसे तैसे भी हम निर्णय की उच्चतम स्थानों पर पहुंचने की जुगत में भिड़े, वही आज दिखाई पड़ रहा है सब जगह। इसलिए नो होल्ड्स बार्ड, एवरीवन अगेंस्ट ऑल, ये स्थितियाँ वहाँ नेतृत्व के स्तर पर दिखाई पड़ रही हैं। तो पार्टी के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, बाकी अच्छे मोटिव के लोग हैं, वो अपने को किनारे पर खड़ा मूक लाचार दर्शक की भूमिका में अपने को देख रहे हैं। इतनी बड़ी विरासत,
इतने वर्षों की तपस्या, वो सामान्य कार्यकर्ता बहुत चकित सा है कि अब हम क्या करें, लाचार सा है जी। ये मोटे तौर पर उस पार्टी की स्थिति है, उसमें अच्छे लोग भी होंगे, जितना नीचे देखें उतने और अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि निर्णय प्रक्रिया में वे अच्छे लोग किनारे हैं जी। उसका कारण है फिल्टरिंग मैकेनिज्म नहीं हुई जिसमें सही बढ़े और गलत घटे, वो उल्टा हो गया। तो जो जैसे भी आपाधापी से पहुंच जाए तो धींगा मस्ती, कहते हैं ना कि सांड के लिए एक न्याय, भेड़ के लिए एक न्याय, काम करे कोई, निर्णय करे कोई, झाड़ू बहारू और खाना बनाने के लिए कोई हो लेकिन डाइनिंग टेबल पर दूसरे ही लोग बैठे। ये जो विसंगतियां आज दिखाई पड़ रही हैं वो एक जिम्मेदार विपक्ष के लिए और इसके कारण देश के लिए एक चुनौती है जी। ये जो विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी का जो विपक्ष है, कई ऐसे मौके आए जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के अंतर विरोधों को सामने ला सकती थी और एक आंदोलन खड़ा हो सकता था। कौन सी मजबूरी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने उस दिशा में नहीं सोचा? उसका मैंने जो चाल चरित्र चेहरे की बात कही थी ना, तो चरित्र ऐसा बन गया जिसमें एक तरह से समाज के अगड़े हिस्से उनके हित स्वार्थ की रक्षा मानो अवचेतन में बैठ गई, वही मानो देश है। और उसी प्रकार मैं देख रहा हूँ कि जो आर्थिक दृष्टि से अंतिम व्यक्ति है उसके मुद्दों को समझने की संवेदनशीलता वो कम होती दिखी, और जो ऐसा करेगा वो मानो झोला छाप है, ऐसा उसके प्रति उपालंब हो जाएगा। इसके कारण एक निश्चित वर्ग के और कॉरपोरेट सेक्टर के प्रति आकर्षण होकर उनके हस्तक बनने तक की स्थितियां नीतियों में अब दिखाई पड़ती हैं, ये चिंता की बात है। ऐसा लग रहा है